दोस्तों आज जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को क्लास 7 से लेकर 10 तक के 10 बच्चों से मैंने पूछा, तो उनमें से जो 8 बच्चों का रिस्पांस था वो गलत था। कुछ बच्चे 32 आंसर दे रहे थे, कुछ 64 और कुछ अलग अलग आंसर दे रहे थे। तो सिर्फ 2 बच्चों का जो रिस्पॉन्स आंसर था वो सही था। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 2 raised to the power 3 to the power 2 इक्वल होगा 2 raised to the power 3 into 3। क्यों? देखिए यहाँ है 3 square। अगर a स्क्वायर होता है तो हम लोग लिखते हैं a इंटू ए, है ना। इसी तरह यहाँ 3 square है तो 3 into 3 हो गया 2 का पावर, ठीक है। तो 2 raised to the power 3 3 9 हो गया, और 2 का पावर 9 मतलब क्या हुआ, 2 into 2 into 2 into 2 9 times करना है। तो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 2 256 2 512 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 512, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। Thanks for watching.